दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो सेंट्रल एयर जो कंडीशनिंग जो सिस्टम है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? लार्ज जो हमारे स्पेसेस होते हैं, जैसे थिएटर हैं, मॉल्स हैं, इस तरह की जो लार्ज शॉप्स हैं या मॉल्स हैं या बिग बाजार्स हैं, वहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर एक तो हमारी पूरी वेपर कंप्रेशन साइकिल है। यहां पे ये देखिए, यहाँ पे ये पूरी एक वेपर कंप्रेशन साइकिल है। वेपर कंप्रेशन साइकिल यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। पहले हम इसको समझते हैं, बाकी इसके साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं फिर उनको समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइकिल है, वेपर कंप्रेशन साइकिल, यहाँ पे देखिए ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या है, जो ड्राई वेपर होंगे उनको कंप्रेस करना और उनका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उसको राइज करना। तो टेम्परेचर और प्रेशर को राइज करके ये रेफ्रिजरेंट को आगे भेज देता है। उसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं, ये हमारे जाएंगे कंडेंसर के पास। तो यहाँ पे ये लगा है कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या है, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो वेपर हैं इनको लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर लेना। इसके लिए ये बाहर से लेता है लिक्विड की सप्लाई, ये कोल्ड वाटर जो है बाहर से सप्लाई किया जाता है और उसको एक फ्लो के थ्रू अंदर बहाया जाता है, जो कि कूलिंग टावर से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर हैं, इसमें से जब वो गुजरेगा तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हीट वो लिबरेट करेगा, फेज चेंज करेगा, और जो प्रेशर है वो हाई ही रहेगा। तो ये कहाँ जाता है, हमारे थ्रोटल वाल्व के पास। ये है थ्रोटल वाल्व। तो ये थ्रोटल वाल्व लगा है, थ्रोटल वाल्व यानी कि एक एक्सपेंशन वाल्व है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये हमारे हाई प्रेशर वेपर जाएंगे वो यहाँ पे जाके उनका जो प्रेशर है वो लो हो जाता है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि वो चिल्ड स्टेट में आ जाता है। जो लिक्विड होता है, जो कंडेंसर से लिक्विड रीजन आया है, ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से गया है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेपर्स थे, तो वेपर कंडेंसर के अंदर गए और लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हुए, थ्रोटल वाल्व पे गए, थ्रोटल वाल्व ने उनका प्रेशर और टेम्परेचर लो कर दिया, यानी कि उसको चिल्ड कर दिया। अब ये जाते हैं हमारे इवेपोरेटर के पास। ये हमारा इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर का फंक्शन क्या है, इस चिल्ड लिक्विड का जो इनलेट है, जब इसके अंदर होगा तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है। लेकिन ये हमारा उस रीजन से कनेक्ट है जहाँ से हमें जो हमें ठंडा करना है, यानी जहाँ से हमें हीट निकालनी है। तो ये जो ठंडा लिक्विड है वहाँ की हीट ले लेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पे जाएंगे, लो प्रेशर जो वेपर है हमारे, वो जाएंगे कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर फिर से इस साइकिल को रिपीट करता रहेगा। तो ये सारे एलिमेंट हमारे काम करते रहेंगे और यहाँ पे एक वेपर कंप्रेशन साइकिल चलती रहेगी। अब देखिए, उसके अलावा क्या होगा, जो इसके पाइपिंग अरेंजमेंट की जाती हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर की जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे देखिए, जो हमारी एयर होती है उसको अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, यानी कि उसकी मॉइस्चर कंटेंट को भी हम उसका ध्यान रखते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देते हैं, और उसके टेम्परेचर का भी ध्यान रखते हैं, उसके अंदर कोई डस्ट के पार्टिकल ना हो, तो उसकी पूरी कंडीशनिंग का हम ध्यान रखते हैं। तो वो कैसे होती है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लगा है ब्लोवर, यहाँ पे ये ब्लोवर लगा है। तो ये ब्लोवर का काम क्या है, ब्लोवर का काम क्या है कि जो हमारी ठंडी एयर होगी उसको बाहर भेजना, यानी कि जो रिक्वायर्ड स्पेस है वहाँ पे भेजना। तो यहाँ पे ये ब्लोवर लगा है जो कि मोटर से ऑपरेटेड होता है। तो ये ब्लोवर क्या है, काम करेगा और यहाँ से हवा को फेंकेगा, जो ठंडी हवा होगी। तो ये ठंडी हवा कैसे मिलेगी, अब देखिए यहाँ पे ये कोयल कौन सी है, ये कूलिंग कोयल है। क्यों, क्योंकि ये कर रही है कूलिंग इफेक्ट पैदा, तो इसको हम बोलेंगे कूलिंग कोयल है। अब देखिए, यहाँ से जो एयर है, एटमॉस्फेयर की एयर है वो, या हम कहें फ्रेश एयर है, तो यहाँ से एंटर करेगी। तो जो फ्रेश एयर है वो यहाँ से एंटर करेगी। यहाँ पे डैम्पर्स लगे हैं, या हम कहें कि उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पैसेज दिए गए हैं, जो फ्रेश एयर है वो अंदर जाएगी। यहाँ से आती है रिटर्न एयर। ये जो कौन सी रिटर्न एयर है जो आती है, ये रिटर्न एयर आती है जो हमने रूम में सप्लाई की है या जहाँ भी सप्लाई की है वहाँ से जो हम कुछ रिटर्न एयर लेते हैं इसके अंदर, तो वो रिटर्न एयर होती है। रिटर्न एयर और फ्रेश एयर आपस में मिक्स होती हैं। यहाँ पे ये लगा होता है हमारा फिल्टर, ये हमारा है फिल्टर। ये फिल्टर क्या काम करेगा, फिल्टर जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको एक तरह से क्लीनिंग का काम करेगा। तो फिल्टर होके एयर आगे जाती है कूलिंग कोयल के पास, कूलिंग कोयल के पास वो जाती है तो वो ठंडी हो जाती है।
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको ठंडी किया जाता है। ठंडी होने के बाद यहाँ पे ये लगा है ह्यूमिडिफायर, ये है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का फंक्शन क्या है? ह्यूमिडिफायर का फंक्शन है कि मान लीजिए अगर जो हमारी एयर है वो ज़्यादा ही सूखी है, उसके मॉइस्चर कंटेंट को हमें बढ़ाना है तो ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, यहाँ से स्प्रे होती रहती हैं, जो वाटर की स्प्रे होती रहती हैं, एक बड़ी ही फाइन मैनर में ये स्प्रे होती हैं। जो एयर है यहाँ पे इन वाटर पार्टिकल के साथ टकराती है और जो हमारा जो एयर है वो मॉइस्चराइज हो जाती है जितने भी हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये लगा होता है एलिमिनेटर, इसको बोलते हैं एलिमिनेटर। अब एलिमिनेटर का फंक्शन क्या है, जैसे ही जो हमारी एयर है वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो इसके अंदर कुछ बड़ी ड्रॉपलेट्स भी आ जाती हैं वाटर की, तो एलिमिनेटर का फंक्शन है कि उन बड़ी ड्रॉपलेट्स को बाहर निकाल देना और यहाँ पे वो इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ ये पंप लगा है जो कि वाटर को सप्लाई करता रहेगा और ये स्प्रे के रूप में बाहर आती रहेंगी और एयर जो है वो मॉइस्चराइज होती रहेगी। तो कूल भी हो चुकी है और अच्छी तरह से ह्यूमिडिफाई भी हो चुकी है। उसके बाद अब देखिए जो ब्लोवर है वो एयर को इस तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऐसे ही ये ब्लोवर काम कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है सारी एयर को इस तरफ। तो ऐसे एयर यहाँ पे पास होती रहती है और यहाँ पे हमारी लगी होती है रीहीटिंग कोयल, इसको हम बोलते हैं। रीहीट कोयल का फंक्शन क्या है, अब देखिए आपने क्या किया, आपकी जो ये एयर थी उसको ह्यूमिडिफाई किया, कूल किया। अब आपको प्री डिटरमाइंड यानी कि कोई एक टेम्परेचर आपने सेट कर लिया कि मुझे इतने टेम्परेचर पर एयर चाहिए, 18 पे 20 पे 22 पे, तो यहाँ से जो भी कूल एयर है अगर आप उसको थोड़ा हीट करना चाहते हैं तो इस रीहीट कोयल का यूज़ किया जाता है। वहाँ से एयर गुजरती है और ब्लोवर के पास जाती है और रिक्वायर्ड रीजन पे उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा एक ये कंपोनेंट्स का एक लिंक के थ्रू बनाया गया है कि कहाँ कहाँ से वो पास होगी और इस तरह से जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये काम करता है। तो ये था सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए हम एक और चीज़ देख सकते हैं, वैसे जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पर भी एक प्री हीटिंग कोयल लगाई जाती है ताकि हम उसको हल्का सा गर्म कर सकें कूलिंग कोयल पे ले जाने से पहले, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।